वेलकम टू एन के क्लासेस। आज हम मैकलॉज मेथड का एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने मैकलॉज मेथड का एक एग्जाम्पल देखा था, जिसमें हमने दो लोड पोज करे थे एक बीम पर। आज हम एक UDL लगाएंगे बीम पर और देखेंगे कि हम वेरियस पोजिशन पे कैसे डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सो हम क्वेश्चन देखते हैं। ए बीम ऑफ लेंथ 8 मीटर इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड्स। इट कैरीज ए UDL ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट इट्स मिड पॉइंट एंड ऑल्सो द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। टेक ई इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर square एंड I इज इक्वल्स टू 4.3 × 10⁸ mm³। तो यहाँ पे उसने बता रखा है कि एक बीम है जिस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड लगा हुआ है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का। हमको मिड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है और उसकी पोजीशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शंस निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी किया था। सो बीम में हम रिएक्शंस कैसे फाइंड करते हैं? आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा? जितना टोटल लोड है 40 × 4 160, तो 160 हमारा टोटल लोड हो जाएगा। तो आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा? 160। दूसरा हम ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, तो आर ए इंटू 0 हो जाएगा, आर बी इंटू 8 हो जाएगा, और लोड कितने का है? 60 × 4 डेट इज 160। और ये ए से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 4 डिस्टेंस पे लग रहा है, तो वो इंटू 4 हो जाएगा। 3 डिस्टेंस पे लग रहा है, 2 और +1 3 डिस्टेंस पे लग रहा है ए से, तो वो कितना हो जाएगा? 160 × 3। तो यहाँ से हम आर बी निकाल सकते हैं, तो आर बी इंटू 8 इज इक्वल्स टू 480। आर बी इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई 8 डेट इज 60। तो आर बी हमारे पास कितना आ गया? 60। और टोटल लोड कितना है? 160। तो हम आर ए कैसे निकाल सकते हैं? 160 - 60, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 kN। अब मैकलॉज मेथड ये बोलती है कि अगर आपके पास UDL है किसी एक स्पान पे, जैसे यहाँ पे सी और डी के बीच में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस UDL को एक्सटेंड करेंगे डी को बी एंड तक। तो यहाँ पे हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। फिर अब आपने ऊपर लोड लगाया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वही लोड हम नीचे लगाएंगे। तो बी और डी पे हम ऊपर भी UDL लगाएंगे और नीचे भी UDL लगाएंगे, और सेम इंटेंसिटी का, मतलब 40 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब हमारे पास इक्वेशन होती है एम इज इक्वल्स टू ई आई डी स्क्योर वाई बाय डी एक्स स्क्योर। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्पान रहेंगे, एक ए और सी रहेगा और एक सी और बी रहेगा, और सी और डी रहेगा और एक रहेगा बी और डी। तो यहाँ पे भी आपके पास तीन स्पान है, तो हम तीन बार उसको लिख लेंगे। तो ई आई डी स्क्योर वाई बाय डी एक्स स्क्योर इज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट स्पान में मूवमेंट क्या आएगा? आर ए इंटू एक्स। उसके बाद जब हम सी और डी के बीच में लिखेंगे, तो देखो लोड है, तो कितना जाएगा? -40 × x-1 × x-1 × 2। अब ये कैसे लिखा हमने? देखो जब हम सेक्शन लेंगे तो हमारे पास उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x-1। अब जब हम UDL को पॉइंट लोड में चेंज करते हैं, तो क्या है, जो 40 है इंटू कितने पे लग रहा है? वो x-1 पे, और वो एक्ट कहाँ पे करता है? मिडिल पे करता है, मतलब हाफ दी डिस्टेंस, तो उसका हम हाफ कर देते हैं। तो x-1 × x-1/2, ये हमने पूरे के लिए लिख लिया बी और सी के लिए। अब इसको हम बैलेंस करने के लिए बी और डी पे हमने नीचे से भी लोड लगाया है, अब वो नीचे रिएक्शन दे रहा है, तो रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव लिखते हैं, तो वही हो जाएगा +40 × x-5। अब देखो टोटल ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी है? 5 है, और यहाँ पे हम एक्स ले रहे हैं बी और डी के बीच में, तो वो हमारा हो जाएगा x-5। और वैसे ही UDL है, तो उसको पहले पॉइंट लोड में चेंज करेंगे, तो वो हो जाएगा 40 × x-5 × और वो एक कहाँ पे होगा? हाफ ऑफ द बीम पे होगा, तो मतलब x-5/2। अब इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे आर ए की, तो ई आई डी स्क्योर वाई बाई डी एक्स स्क्योर इज इक्वल्स टू 100x। फिर डॉट लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपका सेक्शन चेंज हो रहा है, -20x-1² फिर डॉट लगाया, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका सेक्शन चेंज हो रहा है, +20x-5² अब उसको वापस इंटीग्रेट करेंगे हम। इंटीग्रेट करने पे हमारा क्या मिलेगा? ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 100x² / 2 +C1 -20x-1² / 3
डॉट प्लस 20x माइनस 5 का होल क्यूब बाय 3। नाउ अब हम उसको वापस इंटीग्रेट करेंगे, तो वापस इंटीग्रेट करने पे हमको क्या मिलेगा, ई वाई इज इक्वल्स टू 50x क्यूब बाय 3 प्लस c1x प्लस c2 माइनस 20 बाय 3 एक्स माइनस 1 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, फिर डॉट प्लस 20 बाय 3 एक्स माइनस 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। नाउ अब हमको c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। अब बाउंड्री कंडीशन हमारे पास वही है, x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0 रहेगा और x इक्वल्स टू 8 पे y इक्वल्स टू 0 रहेगा। जब हम x इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो सिर्फ ये जो पहली वाली टर्म है यही कंसिडर करेंगे, और जब हम x इक्वल्स टू 8 लेंगे तो आप पूरा कंसिडर करोगे। तो जब हम पहली बार लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आपका c2 कितना आ जाएगा, 0। और जब हम 8 x इक्वल्स टू 8 लिखेंगे y इक्वल्स टू 0 पर, तो आपका c1 आ जाएगा। तो जब हम वो पुट करते हैं तो हम c1 की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस 4583.33। अब ये जो c1 और c2 की वैल्यू है ये हम कहाँ पे पुट कर देंगे, हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, ये वाली जो बनी हुई है, ई आई वाई इज इक्वल्स टू 50x क्यूब बाई 3 प्लस c1x प्लस c2 डॉटेड माइनस 5 बाई 3 एक्स माइनस 1 की पावर 4 डॉटेड प्लस 5 बाई 3 एक्स की पावर माइनस 5 की पावर 4। तो इसमें हम c1 और c2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगी। अब आप किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हो, बस इसमें हमको यही ध्यान रखना है कि जिस स्पान में वो आ रहा है बस हमको वहीं तक का कंसिडर करना है। जैसे अगर वो एक्स आपका पहली स्पान में है तो सिर्फ आगे वाली टर्म कंसिडर करना है, दूसरे स्पान तक है तो दो वाली टर्म कंसिडर करना है, और अगर वो लास्ट तक है तीसरे स्पान में है तो आपको पूरा ही कंसिडर करना है। जैसे अब अगर आप सेंटर की बात करते हैं तो इसका सेंटर कहाँ पर आएगा, टोटल डिस्टेंस 8 है तो सेंटर आएगा 4 पर ए से। तो अगर आप 4 पर आएगा तो ये देखो ये आएगा आपका सी डी के बीच में, तो मतलब आपको सिर्फ दो स्पान कंसिडर करने हैं। तो जब हम यहाँ पे मैक्सिमम सेंटर पे आपका डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो अपन सिर्फ आगे की दो टर्म ही कंसिडर करेंगे, मतलब ई आई वाई इज इक्वल्स टू 50 बाई 3 एक्स क्यूब माइनस 583.33x माइनस 5 बाई 3 एक्स माइनस 1 की पावर 4। बस ये दो आगे वाली टर्म कंसिडर होना है, जो लास्ट वाली टर्म है वो नेग्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम ये दो वाली कंसिडर करेंगे टर्म्स और उसमें एक्स की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 4 मीटर रखेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, और ई और आई की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में तो वो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो वाई आ जाएगा हमारे पास माइनस 16.29 mm डाउनवर्ड। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड है। अब उसने और चीज़ पूछी है कि पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो बता चुके हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, जहाँ पर आपका स्लोप क्या रहती है, जीरो रहती है। तो जब हम स्लोप इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हम डिवाइड बाई डी एक्स कितना पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करा, स्लोप डिफ्लेक्शन जब आपने निकाली उसमें c1 की वैल्यू पुट करी और उसको हमने क्या पुट कर दिया, जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो जीरो इज इक्वल्स टू 100x स्क्योर बाई 2 प्लस c1 माइनस 20 बाई 3 एक्स माइनस 1 की पावर 3। इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3.83। अब ये जो 3.83 है यहाँ पे हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, EIY इज इक्वल्स टू 50 बाई 3 एक्स क्यूब माइनस 583.33x माइनस 5 बाई 3 एक्स माइनस 1 की पावर 4। तो इसमें हम x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 3.83। तो जब आप उसमें 3.83 पुट करोगे तो आपके पास y मैक्स आ जाएगा माइनस 16.33 mm। वापस ये माइनस आ रहा है क्योंकि वो डाउनवर्ड है डिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से मैकलॉज मेथड से हम UDL का भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी सेक्शन पे डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और सीरीज ऑफ लोड्स के कारण भी हम डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और NK क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।